बरसात के सीज़न में हमें अपने पौधों में, गमलों में कौन सी खाद देनी चाहिए, इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैं दिखाऊं अपने गार्डन का ओवरव्यू, क्यों आखिर मेरा गार्डन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, मेरे पौधों की केयर नहीं हो पा रही है। आप लोग देख रहे हैं सारे पौधे मेरे एक जगह इकट्ठा हैं, क्योंकि यहाँ घर पे कुछ काम चल रहा है और उस काम चलने की वजह से जितने भी पॉट्स हैं, जो भी हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए। तो इस काम के चलने की वजह से जो भी पॉट्स थे मेरे, सारे मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं, तो इनकी अच्छे से केयर नहीं हो पा रही है। और ना केयर हो पाने की वजह से आपको दिखाऊँ, मेरा एक मिर्च का पौधा भी सूख गया। मैंने इसे अलग करके इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी शुरू की है, देखिए शायद बच जाए। तो ये कारण है दोस्तों कि मेरी वीडियो नहीं बन पा रही है, मेरे पौधों की केयर नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल कर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि रेनी सीजन, बरसात के मौसम में हम अपने ग्रो बैग्स के लिए, गमलों के लिए कौन सी खाद यूज करनी चाहिए, कौन सा कंपोस्ट यूज करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्योंकि बारिश में हमें जो कंपोस्ट चाहिए होता है वो स्लो डिजॉल्विंग वाला कंपोस्ट चाहिए, जो हमारे पौधों को पॉट्स में मिट्टी में मिलाने पे एक साथ न्यूट्रिएंट्स रिलीज ना करे और ख़त्म ना हो जाए, पौधों में मिट्टी में तुरंत मिल ना जाए, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता रहे और लंबे टाइम तक चलता रहे। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस वीडियो के आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो कंपोस्टिंग है रेनी सीजन में, चूँकि बारिश होती है तो पौधों में पानी पंप बना रहता है, मॉइस्चर, तो हमें ऐसे कंपोस्ट की ज़रूरत होती है जो धीरे धीरे करके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में रिलीज करता रहे। डायरेक्ट पौधों में लिक्विड कंपोस्ट को हमें अवॉइड करना है, खास करके रेनी सीजन में। तो हमें कंपोस्ट वो लेना है जो ड्राई हो, जैसे कि आप काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और आप सरसों की खली, नीम खली, बोन मील या जिप्सम, सीवीड, तो इस प्रकार के आप यूज कर सकते हैं कंपोस्ट, जो कि हार्ड होते हैं और हमारे पौधों में इतनी जल्दी मिट्टी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो वाटर पड़ने पे मिट्टी में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं। तो आप देखिए इस प्रकार, ये मस्टर्ड केक है, सरसों की खली, ये हार्ड होते हैं। तो नीम केक और मस्टर्ड केक को यूज करने में बारिश के सीज़न में खास करके थोड़ी समस्याएं होती हैं, फंगस का डर बनता है। तो आप इसे पानी में भिगो के मत यूज कीजिए, इसे बारीक पीस लीजिए। जब ये बिल्कुल बारीक हो जाए तो इसे अपने गमले में ऊपर की तरफ हल्का भुरभुरा के और फिर उसमें पानी दीजिए। इससे क्या होगा कि फंगस की समस्या थोड़ी कम होगी। जब हम इसे पानी में भिगा के और डालते हैं तो ये एक तरह से ऊपर की लेयर में फंगस पैदा करते हैं। वो फंगस चूँकि नुकसान नहीं करता है, लेकिन बारिश के सीज़न में फंगस से हमें बचना है, हमारे पौधे ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इस सीज़न में कंपोस्टिंग करनी कैसे है, चूँकि ये तो मैं बात की हुई कि क्या कंपोस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये मेरा ग्रो बैग है जिसमें मैंने टमाटर का पौधा लगाया हुआ है। तो इसमें ऊपर हमने कंपोस्ट इस प्रकार से डाल दिया। दो तरीके होते हैं कंपोस्टिंग के, एक आप इस साइज के ग्रो बैग में एक से दो मुट्ठी तक कंपोस्ट यूज कीजिए, और कंपोस्ट करते समय कंपोस्टिंग ये ख्याल रखिए कि हमें जो मेन स्टेम होती है, यानी कि ये, तो हमें इसके राउंड एरिया आप बना लीजिए, उसके बाहर बाहर ही कंपोस्टिंग कीजिए, जिससे कि जो हमारी कंपोस्ट से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे तो
तो वो मेन स्टेम पे नहीं जाएंगे, जो इसके फीडर रूट्स होते हैं वो बाहर की तरफ आए होते हैं, यहाँ पे नहीं रहते हैं। वो फीडर रूट्स जो पतले पतले आपने रूट्स देखे होंगे खोदने पे, तो वो बाहर की तरफ आते हैं। तो इनको हमने यूँ डाल दिया और किसी टूल्स की मदद से इसको हल्की हल्की गुड़ाई कर लेंगे, और गुड़ाई करने के बाद इसमें वाटरिंग करेंगे तो जो ये हमारी कंपोस्ट है ये मिट्टी में डायरेक्ट डिजॉल्व नहीं होगी बल्कि न्यूट्रिएंट्स वाटर के साथ रिलीज करती रहेगी। तो ये थोड़ी कुछ टाइम देर तक चलती है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है दोस्तों कंपोस्टिंग का, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। उसमें आपको क्या करना होता है, जैसे ये मेरी अरवी का गमला है, तो इसमें आपको एक यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अरवी लग रही हैं तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना ली, ये देखिए इस प्रकार हमने यहाँ जगह बना ली। ऐसे ही हमने इस पूरे पॉट में दो तीन जगह जगह बनानी है, और उस जगह में हमें अपनी जो वर्मी कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट हम जो बनाते हैं वो डाल के, और इसे फिर वापस से मिट्टी से उसी प्रकार ढक देना है और फिर वाटरिंग कर देनी है। तो ये मिट्टी के अंदर जब पानी जाएगा, पानी से मिलेगा, पानी में घुलेगा तो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।